सर इथे कडे थेजो लाइट यल यस तुशी शुरू ऑपरेशन गाँव के बारे में ब्रीफ कर दिया थोड़ा सा बड़े बाकी डीआईजी साहब ने ब्रीफ कर दिया है। पिछले एक महीने से तकरीबन इंडियन आर्मी और जेकेपी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस साथ में मिलकर लश्कर ए तोयबा के इस ग्रुप के पीछे लगी हुई थी जो कि कुलगांव में सक्रिय था। हमें एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब आज सुबह 3:30 बजे 28 सितंबर को हमें इनपुट मिला, पिन पॉइंट इनपुट, जिसके मुताबिक उमेश वानी जो कि साउथ कश्मीर के एलईटी यानी लश्कर ए तोयबा का सबसे बड़ा टेररिस्ट एक संदिग्ध इलाके में घुसा था अड़ीगांव विलेज पर। उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 9th बटालियन राष्ट्रीय राइफल जेकेपी और सबसे पहले मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का जो है वो धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि आज जो है वो अडीगाम गांव जो कि दिवसर कुलगाम में वाका है वहां पे जो है वो एक एनकाउंटर जो है वो हुआ जिसमें जो है दो दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए। मैं ये बताता चलूं कि ये एनकाउंटर जो है वो इसमें जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो खबर जो थी उस पे जो है वो काम करते हुए जो है वो आर्मी पुलिस और सीआरपीएफ के जो है वो जवानों ने इस गांव जो पर्टिकुलर जो है वो घर का और जो पर्टिकुलर मोहल्ला है उसका मुहासरा किया। और उसके बाद जो है वो जब सर्च जो है वो जारी थी तो सर्च के दौरान जो है वो जो वहाँ पे छुपे हुए जो है वो टेररिस्ट थे उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है वो फायरिंग की और उसके बाद जो है वो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। इस एनकाउंटर के दौरान जो है वो दो दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए जिनके जो है वो कब्जे से काफ़ी असलाह और गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ। सर इनकी पहचान और किस संगठन किस तंजीम के साथ है सर और कितने सरगम थे? देखिए मैं बताता चलूं कि जो हमें एनकाउंटर साइट से सर्च के दौरान जो है वो हमें दो डेड बॉडीज़ मिली। डेड बॉडीज़ जो है वो की पहचान करना बड़ा मुश्किल है, उसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसमें हमने डीएनए जो है वो सैंपल्स लिए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको पहले बताया कि हमें एक जो है वो ख़ास जो है वो स्पेसिफिक इनपुट था, उस इनपुट के मुताबिक जो है दो जो दहशतगर्द थे जो हमारी खबर के मुताबिक जो है वो एक उनमें से उमेश अहमद वानी है जो कि चवलगाम कुलगाम का रहने वाला है। ये उमेश अहमद वानी जो है वो टीआरएफ तंजीम से ताल्लुक़ रखता था और ये 2020 से जो है वो उसने जो है वो टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की। उमेश अहमद वानी का जहां तक ताल्लुक़ है ये पुलवामा शुपियां कुलगाम और अनंतनाग ज़िले में जो है वो सरगर्म था और इसके खिलाफ कई एफआईआर जो है वो दर्ज थे और कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में ये मुलविस था। दूसरा जो खबर जो थी हमें वो थी आकिब नज़ीर गोजरी की। ये आकिब नज़ीर गोजरी जो है बेसिकली चाडोरा कुलगाम का रहने वाला है और उसके बाद लेकिन ये पला बड़ा जो है वो अपने मामा के घर जो है वो ये पुलवामा में जो है वो वहाँ उसकी पढ़ाई और वहाँ की उसकी परवरिश हुई। ये आकिब शेर गुजरी जो है 2022 से जो है वो अगस्त 2022 से जो है वो दहशतगर्द तंजीम के साथ वाबस्ता रहा और ये भी कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में जो है वो शामिल था और इसके खिलाफ जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में कई एफआईआर जो है इसके खिलाफ दर्ज थे। तो ये जो है ये टीआरएफ तंजीम से ये भी वाबस्ता था और ये पुलवामा शुपियान बडगाम अनंतनाग ज़िले में जो है वो पिछले 2-2.5 सालों से सरगर्म था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को इनकी जो है वो काफ़ी जो है वो ये रिक्वायर्ड थे बहुत सारे एफआईआर्स में। तो जिस तरह से मैंने बताया कि स्पेसिफिक इनपुट के पे काम करते हुए ये आज एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर के दौरान जो है ये दोनों जो हमें लगता है कि ये दोनों जो है वो जिनकी डेड बॉडीज हमें मिली ये दोनों जो दहशतगर्द वही सर। पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी?
देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ये कई सालों से जो है वो यहाँ दहशतगर्द तंजीम से जो है वो वाबस्ता थे और कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, और इसके अलावा जो है ये यहाँ साउथ कश्मीर के यूथ्स में काफ़ी जो है वो मोटिवेट करने में जो है वो इनका रोल था कि उनको जो है अपनी तंजीमों में शामिल करने के लिए जो है उसमें भी इनका जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा था। रिकवरी क्या क्या है इसमें, रिकवरी क्या क्या हुई? देखिए अभी तक जो हमें जो है हमारी सर्च थोड़ी वहाँ पे जारी है, अभी तक जो हमें रिकवरी मिली है उसमें दो AK-47 राइफल्स, 5 मैगजीन्स, पिस्टल और कुछ और जो है वो असला जो है गोला बारूद वहाँ से जो है वो बरामद हुआ। सर जिस तरीके से TRF जो है कुलगाम से पनपा था, क्या ये दोनों मार के अभी लग रहा है कि TRF का जो सफाया हुआ है कुलगाम से? नहीं, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। ये एक इस तरह का जो है वो स्टेटमेंट जो है ना, ये मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें जो है वो हम पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इसमें हम लगे हुए हैं, तो ये कहना जो है वो कबल अज़ वक्त हो।